इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत की जानिब से अजीब व गरीब फैसले लेने का सिलसिला जारी है और फैसले भी मुनज्जम साजिश के तहत ही लिए जाते हैं, खासकर अगर अकलियतों की मुखालिफत में हो तो किसी तरह से बिल को पास ही किया जाता है। अयोध्या मामले पर अभी भी कई सारे इल्मी दानिशोरों की मुखालफत जारी है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी है। कई सारे साबिक जज जस्टिस खुलकर कह रहे हैं कि फैसला एक तरफा रहा। वही कुछ ना कुछ भाजपा के विवादास्पद बयान देकर सस्ती मकबूलियत हासिल करने का मौका नहीं छोड़ते। भाजपा थी इसलिए राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के हक में आया, ऐसा भी कहने वाले नजर आ रहे हैं। कभी किताबों से मुगलों की तारीख को मिटाने की तो कभी मुस्लिम बादशाहों के नामों से, या कि ऐसा कोई शहर जो पहले से ही मुगलों की पहचान करता है इसे बदल देना, इसी को विकास तरक्की की राह पर अब भारत देश निकल पड़ा है। आप कांवड़ लेकर चलेंगे तो करोड़ों के फूल हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे, पर अगर पढ़ाई के लिए फीस कम करने के लिए कहोगे तो लाठियां बरसाई जाएंगी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बेरोजगारी ने तो तारीख ही मियार छू लिया है, पर देश में सब कुछ ठीक है कहने से प्रधानमंत्री नहीं चूकते। राम मंदिर का फैसला जो अक्सरियत के हक में आया है, इससे बढ़कर और क्या विकास चाहिए? कहां किस जगह पर इस तरह का विकास हमें ले जाएगा पता नहीं। एक और ऐसी हरकत मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई जिससे फिर तनाजा खड़ा हुआ है, और तनाजा क्यों ना हो। मालेगांव धमाके की मुजरिम और भोपाल से रुकने असेंबली प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इल्जाम आयद दिफाई कमेटी यानी कि अभियुक्त रक्षा समिति जो भारत के रक्षा मंत्रालय से बतौर मेंबर की फहरिस्त में नाम दर्ज किया गया है। इंडियन अक्यूज डिफेंस कमेटी में कुल 21 मेंबर होंगे जिसकी सदारत वजीर दिफा यानी रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह होंगे। मालेगांव बम धमाके की मुजरिम को रक्षा समिति में दाखिल करना, इससे बड़ा लोकतंत्र का मजाक और क्या हो सकता है। इस पर विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने एतराज जताते हुए कहा कि यह देश की बदकिस्मती है कि धमाकों के मुजरिम अब देश की रक्षा सलाहकार बनेगी। यह ना सिर्फ मुल्क का अपमान है बल्कि देश के हर उस फर्द की तौहीन है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि देश के तमाम शहीदों का अपमान है। वाजा रहे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भिगु चौक के बीच शकील गुट ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9:35 बजे बम धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे, जिसमें अहम मुजरिम है जो जमानत पर रिहा हुए। सेहत की वजह बताकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर रिहा तो हुई और भोपाल से भाजपा की जानिब से टिकट दिया गया और रुकने असेंबली के तौर पर कामयाबी रही। अब इसे देश की बदकिस्मती कहे या बदलती सोच कहे, पर प्रज्ञा की जीत कई सवाल खड़े करती है। जीतने के बाद तशद्दुद फैलाने वाले बयान भी जारी करना शुरू किया जिसमें गोमूत्र और गोबर को लेकर कहा कि कैंसर से शिफा मिलती है। महात्मा गांधी के कातिल और देश का पहला दहशतगर्द नथुराम गोडसे को देशभक्त कहा, और तो और हेमंत करकरे की तौहीन करते हुए कहा कि हेमंत करकरे को इसकी बद्दुआ यानी कि इसका श्राप लगा इसलिए वो मर गया। विपक्ष के कई पार्टियों ने अपने ट्विटर पर कहा है कि भारत की दिफाई सलाहकार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बनाना यह कदम हमारे देश के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, माननीय सांसदों के तौहीन और जिल्लत है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे यह भी लिखा है कि आखिरकार मोदी जी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से माफ कर ही दिया। आतंकवादी हमले की अभियुक्त को रक्षा मंत्रालय की समिति में जगह देना उन बहादुर जरूरतमंद सिपाहियों का अपमान तौहीन है जो दहशतगर्दों से देश को महफूज रखते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने नाथुराम गौडसे को देशभक्त कहा था तो वजीर आजम मोदी ने कहा था कि मैं कभी भी प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं करूंगा। कांग्रेस सेक्रेटरी प्रणव झा ने सहाफियों के सामने कहा कि भाजपा को चाहिए कि इस फैसले पर फिर से गौर फिक्र करे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है उन्हें दिफाई कमेटी में लाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सब कुछ आइन के हिदायत में नहीं होता, कुछ फैसले अखलाक की बुनियाद पर भी लिए जाते हैं। इस पर बीजेपी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी कहने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहले से ही सरगर्म थी। दौराने पढ़ाई एबीवीपी की कारकुन रही, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी ने उन्हें और मकबूलियत हासिल हुई, इस्लाम की मुखालफत में शोला बयानी ने उनका अलग मकाम ही बना दिया। कहा यह भी जाता है कि भाजपा के सुनील जोशी ने प्रज्ञा ठाकुर से शादी का पैगाम दिया था, पर दिसंबर 2007 में सुनील जोशी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और इसी मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 7 अपराधों पर मुकदमा दायर किया गया था। 2017 में तमाम इल्जाम खारिज किए गए। कई सारे तनाजों में रहना इसका मशगला रहा है। बाबरी मस्जिद को तोड़कर
फक्र महसूस होता है, साबिस ने कहा था। मालेगांव धमाके में मोटरसाइकिल जो बरामद हुई थी वह प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी। समझौता एक्सप्रेस अजमेर दरगाह मालेगांव मस्जिद में हुए धमाकों में सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे। प्रज्ञा ठाकुर के इस तरह के किरदार पर नजर डालने से क्या रक्षा मंत्रालय की सलाहकार बनाकर आखिर क्या पैगाम देना चाहती है मोदी सरकार? यकीनन फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर सिर्फ छोटे से कमेंट पर जेल की सलाखों के पीछे फेंकने वाली हुकूमत प्रज्ञा सिंह ठाकुर से देश की रक्षा को लेकर सलाह लेगी, यह सोचकर भी कुछ अजीब लगता है। इस पर एक शायर ने क्या खूब कहा, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।